मणिपुर में शांति बहाली और देश के दूसरे राज्यों में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर आदिवासी समाज के लोगों ने आवाज उठाई, रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन भी सौंपा। मणिपुर की घटना के बाद पूरे देश भर में न्याय की गुहार लगाते आदिवासी समाज के लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ में भी आक्रोश जताया जा रहा है। सोमवार को भी गोंडवाना समाज बूढ़ादेव समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुषों ने दुर्ग के गांधी प्रतिमा के पास से रैली निकाली और पैदल मार्च किया। साथ ही हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। यह है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है ना मन की बात करते हैं, लेकिन मन के अनुसार वो जो है ना सोए हुए हैं। और आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, समस्त पिछड़ा वर्ग, ओबीसी समाज, मूल निवासियों पर लगातार अत्याचार पर अत्याचार बढ़ रहा है मोदी सरकार के शासनकाल में। बता दें कि ज्ञापन देने पहुंचे समाज के पदाधिकारियों ने बताया है कि कुछ वर्षों में देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर सत्ता व कुछ विघटनकारी संगठन द्वारा लगातार अमान्य घटनाओं को अंजाम देकर संविधान के अनुच्छेद 371-72 को खत्म करने के इरादे से संकट पैदा करने का काम किया जा रहा है। इसके चलते समाज के बैनर तले महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट पहुंच आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण, हत्या पर रोक लगाने सहित मणिपुर सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की। इस संबंध में सर्व समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम महिलाओं पे बहुत भेदभाव हो रहा है, ये गलत है, और आदिवासी समाज पे अत्याचार हो रहा है, ये है, भेदभाव हो ही रहा है, ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ये बहुत निंदी वाली बात है। इसमें बिल्कुल सरकार की दोषी है कि जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं सरकार, तो ये कहाँ गई उनकी बेटी बचाओ बेटी से बचाओ वाला ये नारा, खाली नारा ही बस रह गया है, बेटी को नहीं बचा रहे हैं सरकार, खाली अपना रेटी ये कर रहे हैं, अपने ही बाजार पसार कर रहे हैं, अपने ही धर्म और ये को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोगों को, और हम लोग को ये सब आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। हम न्याय चाहते हैं, दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।